गाइस, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहे हो? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड आप लोग रिक्वेस्ट की शिव ठाकरे के और वीडियोस लेकर आओ, तो मैं इस बार लेकर आई हूँ शिव ठाकरे द रियल अल्फा अर्चना एक्सपोज्ड। तो देखते हैं हम ये वीडियो, लेकिन उससे पहले जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं। बस आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट करके बताना कि और किसके वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैंने याद से आप लोगों को बताया है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। न्यू अपडेट्स जो है वो इंस्टाग्राम पे आती है और वहां पर रील्स पोस्ट करके मे भी शायद से आप लोगों को पसंद आ जाए। तो चलते हैं हम लोग हमारे वीडियो के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही 10 मिनट बाद उसका थोबड़ा तोड़ ही देना, तोड़ फिलर से बोटॉक्स करा के आइए ना, और सुझा देना तोड़वा। पर अगर इस पे मार दे हो गया बिग बॉस से बात कर, मारते ही बॉस से बात कर, अब मेरा फेस खराब हो जाएगा। मारते ही माई कसम कह रहा है हाथ वो उठाएगी, बाद का बाद में देखता है उसको हाथ उठाने दे। वो लोग भी अर्चना के पीछे अर्चना के लैंग्वेज पे भौंक रहे हैं दैट शिव ने प्रोवोक किया, इंस्टिगेट किया, पोक किया, उसके लिए बस ये क्लिक। तो गालियां देना इस घर में गलत है नहीं, ठीक है, और आप गालियां दे रहे हो तो दो। अगर वो दूसरा इंसान ट्रिगर हो रहा है, रो रहा है, छोड़ रहा है, तो आप जीत रहे हो और आप स्मार्ट हो। अगर वो उसकी वीक पॉइंट है तो वो उसकी गलती है। भाई साहब ये क्या चल रहा है बिग बॉस में, गला वाला पकड़ने तक की बात जा रही है? मतलब चलो मैं वीडियो के एंड में बताती हूँ। रुको जरा, सबर करो। अर्चना जी वो बॉडी नहीं है, शिव ठाकरे फ्लावर नहीं है, फायर है। पुष्पा सुन के फ्लावर समझा करे, फायर है, फोन सूखेगा नहीं। और प्रियंका मैडम क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? ऑब्वियसली मैडम ही बुलाऊंगा ना आपको, क्योंकि आप तो प्रिंसिपल है, क्योंकि आप स्कूल खोलने वाले हो, शिवन निमृत को आप ट्यूशन देने वाले हो। लेकिन एक सेकेंड, अगर स्कूल के प्रिंसिपल देने लगे वो भी स्टूडेंट से, तो क्या हाल होगा स्कूल का? मिनिमम 2 पैकेट्स ही सही। हाँ तो मैक्सिमम 2 पैकेट्स बताने का क्या डिस्कशन होगा? इसके पहले आपने वहाँ पे जाके क्या किया था? किसको पूछा था क्या ये खत्म हो गया है? तुम लोगों को डिफरेंस नहीं पता चलता है? अच्छा, आप एक ये पूछना कि चाय का पैकेट तुम में से किसी ने ले लिया? अच्छा जी, क्लास लेने आ जाना। अच्छा सिखा दो तो बाहर जाके करो, स्कूल ओपन करना है यहाँ पे मत करना, सबको सिखा दो। तेरे को साइकिल करेगी, मैं तो वही बोली, मेरे को तो दुनिया बचा रही है, टेंशन मत ले बेटा, आपको संभाल ली चल रहा है। जहाँ पर मेरे को रोकना हो मैं खुद रोक दूँ, मैंने ऐसे करो रुक जाएगा, मैं तो साइकिल ले गई तो मत करना चाहती हूँ कि मैंने बोला पहले मैं सो, वो देखो बार बार भोको मत, तो वो मैंने उसको नहीं बोला, जो कुत्ते भेजा था बार बार मेरे रूम में, घर के रूल है ना, कप्तान तेरे को बोल रहा है नहीं करके, सो नहीं रही है, लेटने दे उसको। तो बोला मुर्गा बोला, सो मत सर। हाँ मुर्गा बोलने का वेट मत, तो उसकी कठपुतली हूँ मैं। इसकी कठपुतली नहीं है, वो कैप्टन है। फिर जब बोलेगा तो कंटेस्टेंट यहाँ पे देखो, जब बोलेगा तब भूकेगा। मैं कह रही जब क्या मुर्गा जब बोलेगा तू भूखना बंद कर, उसको भूखने में ये बात लैंग्वेज मत कर। देखो ढंग से अगर रिस्पेक्ट चाहिए ना तो दूसरों के उस वो क्या भोक रहा है क्या? वो कैप्टन है, उसको बोल रही है कि भोक रहा है वो। तो पहले चुप जाओ, स्टूपिड जाओ यार। इनकी जो बात इनसे कही गई, भौंकने की बात को कुत्ता बोला गया, तो लेट मी बी वेरी क्लियर कि सुबह यहाँ पर शिव ने सबके सामने भौंकने का अर्चना को भी बोला था। कोई तो सो रहा है, ये नहीं सो रहा है, कोई नहीं सो
रहा है। अच्छा ये मुर्गी की आवाज क्यों आ रही? कहाँ से है मुर्गी की आवाज? वो बाहर से। पागल हो सकते हैं? अरे बाहर से आई है वो, मैं रोज सुनती हूँ। जो भोगते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो भोगते नहीं। भोगती तो तू रहती है दिन भर, उसे भोगना कहते हैं, समझा क्या? तूने एक भी तेरा नाम पे नहीं किया गौतम, गौतम समझ रहे हो? देख रहे हो तुम कितना ये जिसके सामने हेलमेट लगाना जरूरी होता है, मतलब जिससे सावधान होना बहुत जरूरी है, कौन है? तू बेटे तब मम्मी तब दूंगी तब। सुन नेता जी, नहीं तू जाएगी, आदमी नहीं रहेंगे, कुत्ते रहेंगे पीछे कुत्ते। कुत्ते क्यों ना, तू क्यों कर रहा है? रुक जा बस 5 महीने रुक जा। जो चिल्ला चिल्ला के तू दिखा रही है ना खुद को, सबको बाहर वाले लोग भी देख रहे हैं, रूमर देख रहे हैं, तमीज देख रहे हैं, तेरी इंसानियत भी देख रहे हैं। जिस दिन बिग बॉस की ट्रॉफी जीतूंगी ना, डॉक्टर की रैली निकलेगी। अभी यू गाइस लेटर प्रीतम वीडियो, ठीक है? इससे पहले जो भी मैंने वीडियोस के रिएक्शन लेकर आई हूँ तो वो प्रीतम के चैनल से ही लिए हैं। और दूसरी चीज़ क्या, जो बिग बॉस में चल रहा है लाइक मार पिटाई भी चल रही है, और मेरा ना इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप बिग बॉस नहीं देखते हो, ना देखने का रीज़न यही है, ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है इंसान उसके अंदर। ये भी एक चीज़, मतलब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगता। एंड शिव ठाकरे की बात रहे तो यार वो जो सिग्मा रूल है और जिसके अंदर बोलता है ना चलते हुए को मैं रोकता नहीं है, वो जो लाइन है प्रॉपर वो एकदम सूट करती है। और वो जो कैप्चर लिया है, जो उतना वीडियो लिया है ना, बहुत औसम लिया है, बहुत औसम लिया है। तो यस, सपोर्ट मेरा सबके साथ में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एंड ये वीडियो खत्म करने से पहले बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड शिव ठाकरे के फैंस के साथ में भी। एंड दूसरी चीज गाइस, कि मुझे यहां तक देख लिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड मुझे यहां तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहे, एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय। Feel like I'm floating through